उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद द्वारा हापुड़ के अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज तथा उत्पीड़न के विरोध में कलमबंद हड़ताल की गई। सभी अधिवक्ताओं का कहना है कि हम हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सक्सेना तथा महासचिव अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्तागण बार एसोसिएशन प्रांगण में एकत्रित हुए और जुलूस के रूप में कचहरी परिसर में घूमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कहा गया कि यदि शासन द्वारा प्रस्तावित मांगों को नहीं माना गया तो सोमवार को कचहरी परिसर में कोई चैंबर नहीं खुलेगा और ना ही कोई स्टाम्प वेंडर बैठेगा। सोमवार को अधिवक्तागण रजिस्ट्री कार्यालय भी बंद कराएंगे। इसी को लेकर अशोक कुमार सक्सेना का कहना है कि अभी तो हमने केवल विरोध किया है, अगर इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे और ईंट से ईंट बजाना भी जानते हैं। हम किसी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन हमें मजबूर करेंगे तो उसका खामियाजा अच्छा नहीं होगा। जो भी दोषी अधिकारी है उनका स्थानांतरण किया जाए, जिन्होंने भी लाठी बरसाई है उनके ऊपर FIR की जाए, जिनके चोटें आई हैं उनका इलाज कराया जाए और मुआवजा दिलाया जाए, अन्यथा हम एक आंदोलन करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आपका मैं मतलब नहीं समझा, नारेबाजी से क्या मतलब है? आप मेरे अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और उसके बाद भी ये चाहेंगे कि हम कुछ नहीं करें, इसे नारेबाजी का नाम नहीं दीजिए, यह आंदोलन है। और हापुड़ में जो मेरे अधिवक्ताओं के साथ लाठीचार्ज करा यह उसका विरोध है, और अभी तो केवल विरोध दिखाया है, अगर इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतर आएंगे और ईंट से ईंट बजाना भी जानते हैं। मेरा मानना है कि हम लोग शांतिपूर्वक जिंदगी बिताना चाहते हैं, अधिवक्तागण कानून अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन हम लोग इतने दबे हुए भी नहीं है कि आप हम पे लाठी बजाएं और हम कुछ नहीं कहें। मेरा मानना यह है कि हम लोगों को शांतिपूर्वक अपना कार्य करने दीजिए, शांति व्यवस्था बनाए रखना रखने दीजिए। हम चाहते हैं हम अपना कानून, हम किसी कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन जब आप हमें मजबूर करेंगे तो फिर हम सड़कों पर उतर आएंगे, उसका खामियाजा अच्छा नहीं होगा। जो हापुड़ में क्या है, मेरे निर्दोष अधिवक्ताओं के ऊपर जो लाठियां बरसाई हैं, हैं उनके खिलाफ जो भी दोषी अधिकारी हैं उनका स्थानांतरण करा जाए और जिन्होंने लाठियां बरसाई हैं उनके खिलाफ FIR लिखवाई जाए और मेरे जो अधिवक्तागण हैं जिन्हें चोटें आई हैं उनका इलाज किया जाए तथा उनका मुआवजा दिलाया जाए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करा तो मजबूरन हमें UP बार काउंसिल के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी वो कार्रवाई कहेंगे वो करेंगे और एक आंदोलन करेंगे। और फिर भी हम ये चाहते हैं कि इसका इस वार्ता का हल शांतिपूर्वक निकले और अच्छा निकले, ये हमारी सरकार से मांग है। अरे भाई, ये तो गवर्नमेंट और हमारे बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी वगैरह हैं उनके बीच में जो वार्ता होगी वो हम लोगों के पास आ जाएगी, उसी के अनुसार हम निर्णय लेंगे। अब इस विषय में आपको हम 3 तारीख के बाद बता पाएंगे। 3 तारीख कल तक, कल हमारे जो अध्यक्ष हैं बार काउंसिल ऑफ UP के, उन्होंने 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद ही इस विषय में कोई वार्ता होगी। देखा गया है जब सारे वकील अब एक गुट में चुके हैं और हाथों में डंडे लेके घूम रहा है, हर पार की इस समय हो गया तो क्या डंडे आपने किसके हाथ में देखे? आपका हाथ में नहीं, और जगह नहीं, किसके हाथ में आपने डंडे देखे? हम सुन लीजिए, आपका नहीं, ये आपका ये कहना गलत है कि वकील डंडा उठाता है। हम कलम के सिपाही हैं, हम कलम से मारना जानते हैं, हम अपने अधिकारियों के लिए, अधिकारों के लिए सड़क पे उतरते हैं, सड़क पे उतरेंगे और जैसा हमें निर्देश मिलेगा हम उस निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। हाँ, हमें 3 तारीख का इंतजार है और अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो फिर एक सामान्य आदमी जो कर सकता है, और फिर हम सामान्य नहीं हैं, अधिवक्ता हैं, कानून को जानते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमसे कोई ना टकराए और हम भी टकराना नहीं चाहते हैं, हम हर चीज़ का निर्णय शांतिपूर्वक चाहते हैं।